मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव इस बार सिंधिया समर्थकों के लिए टेढ़ी खीर होंगे, वो भी तब जब पूरी कांग्रेस इस तैयारी में है कि सिंधिया को विभीषण बनाकर पेश किया जाए। उस वक्त में ये लोकगीत तैयार कराया गया है जो सिंधिया का बखान कर रहा है। हालांकि ऐसी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि ये लोकगीत किसने तैयार करवाया और क्यों तैयार कराया। बीस विधायक संग लगा बीजेपी में शामिल हो गए, पर जिस वक्त ये लोकगीत रिलीज हुआ है यही माना जा रहा है कि उपचुनाव के मद्देनजर लोकल लोगों को रिझाने के लिए तैयार कराया गया है। कमलनाथ सरकार